नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है MBBS इन बुल्गारिया, जो कि शेंगन कंट्री है, फुल फ्लेज शेंगन की मेंबर बन चुकी है। तो मैं बहुत समय से, आप मेरी रोमानिया और बुल्गारिया की वीडियोज़ उठाकर देखें, हर एक वीडियो के अंदर मैं ये वर्ड जरूर रिपीट करता था कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो बहुत जल्द शेंगन में आएंगी। तो अभी ये शेंगन में आ चुकी हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे MBBS करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की, पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर, हमने जो अपनी MBBS है वो बुल्गारिया से जाकर करनी है। तो बुल्गारिया से रिलेटेड भी हमारी प्लेलिस्ट है MBBS इन बुल्गारिया या स्टडी इन बुल्गारिया। तो बुल्गारिया में हम MBBS के अलावा भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे बिजनेस है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे मेडिकल फील्ड है। तो बुल्गारिया में आप MBBS, BDS, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, इस टाइप के प्रोग्राम्स वहाँ पर इंग्लिश डॉट में कर सकते हैं। तो वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी, जो वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी हैं बुल्गारिया की मेडिकल के लिए, उनके बारे में मैं बताऊँगा। यहाँ पर बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, शो करते हैं कि सर, हमने इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ना की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ तार्किया की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेवन की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लोव द्वीप की बात करूं, तो दीज आर द फेमस और रेनॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी MBBS करने के लिए आते हैं। तो अभी क्वेश्चन आगे ये आता है कि सर, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में बताया जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बच्चा वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाता तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अगर उसकी जो डेस्टिनेशन ओनली बुल्गारिया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और इवन MBBS बुल्गारिया में करने के बाद आपके पास बहुत बिग प्लेटफॉर्म है, बिग प्लेटफॉर्म क्या है, आपके पास सारी की सारी शेंगन कंट्रीज़ हैं, इवन UK एंड आयरलैंड जैसी कंट्री में भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन जो बुल्गारिया की MBBS है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। मैं नहीं कहता, आप गूगल में देखिए, अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आपको पता चल सकता है। इवन आप इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी जरूर चेक करें, जो मैंने अभी वर्ना यूनिवर्सिटी बताई है, सोफिया बताई है, प्लेवन यूनिवर्सिटी बताई है, तार्किया यूनिवर्सिटी बताई है, यू कैन पुट ऑन द गूगल, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी रेनॉर्ड यूनिवर्सिटी है और कितनी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। तो इवन अभी इसके एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं। एडमिशन के लिए सबसे जो मेन क्राइटेरिया है कि बच्चे के पास बायो होनी मैंडेटरी है। विदाउट बायो यू कांट गेट द एडमिशन आइदर इन बुल्गारिया और किसी भी कंट्री में। अगर आपके पास बायो नहीं है तो आप MBBS कर ही नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि जो बच्चों के पास PCB के, फिजिक केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हैं, वो एलिजिबल हैं। अभी एलिजिबल तो मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने एक क्राइटेरिया और रखा है, एक मिनिमम परसेंटेज भी रखे हुए हैं अगर आपने इन रेनॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपनी MBBS करनी है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एक दो यूनिवर्सिटी का 62 है मिनिमम क्राइटेरिया, आपका पासिंग का बायो में नंबर या एग्रीगेट नंबर इतने होने चाहिए। जो अनदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके 65% मार्क्स आपके एग्रीगेट जहां बायो में होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। आप सिर्फ एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, ये नहीं है कि आपके पास 65% नंबर है तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जितनी भी ये मैंने आपको 5 यूनिवर्सिटीज बताई हैं, इनका अपना ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स होता है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन वहां पर। तो वो एग्ज़ाम में क्या आता है, तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ दो ही टेस्ट लेती हैं, बायो और केमिस्ट्री के, और कुछ यूनिवर्सिटी बायो केमिस्ट्री और इंग्लिश का भी लेती हैं। तो डिपेंड है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इवन इन्हीं यूनिवर्सिटी में IELTS भी मैंडेटरी है। सम यूनिवर्सिटीज आर सेइंग कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं हैं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर, आपका जो प्रीवियस स्टडी इंग्लिश टॉट में की है, तो आपको हमारा जहाँ तो इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, जहाँ आपको IELTS, PT, TOEFL, whatsoever है वो आपको लगेगा। तो ऐसा है कि अगर इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए IELTS
जहां मैं आयल्स, और दूसरा वर्ड है कि आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का भी इंग्लिश टेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है। अभी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फिर कट ऑफ बनती है। कट ऑफ में क्या देखते हैं, कट ऑफ किस वे से बनती है, कट ऑफ में आपके प्रीवियस ग्रेड चेक किए जाते हैं, फिजिक केमिस्ट्री बायो के प्लस इंग्लिश के। इनको चेक करने के बाद जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके मार्क्स चेक करने के बाद देन वहां की जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके बाद बच्चे को एडमिशन मिलता है। तो यहां पर बच्चे का नया क्वेश्चन आता है कि सर क्या नीट, क्योंकि मैं इंडिया में बैठ के एमबीबीएस को प्रमोट कर रहा हूं, तो हर एक पेरेंट्स का, हर एक बच्चे का क्वेश्चन यही है कि क्या सर नीट मैंडेटरी है। मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया है कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नीट सिस्टम। दे आर सेइंग कि आपको हमारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। दे आर सेइंग कि वी आर नॉट डिपेंड ओनली ऑन द इंडियन स्टूडेंट्स, जो यहाँ का सिस्टम है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मीन्स ये है कि दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपने नीट किया है या नहीं किया है, बट इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है तो नीट जरूरी है। बट अभी जो FMMG का गजट आया हुआ है, हर एक इंडियन स्टूडेंट जो MBBS अब्रोड से करना चाहता है उनके पेरेंट्स को वो गजट जरूर रीड आउट करना पड़ेगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपका एम सिर्फ ये है कि मैं फॉरन से MBBS करने के बाद इंडिया में आकर प्रैक्टिस करूं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गजट फॉर ऑल ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो MBBS अब्रोड्स में करने के लिए जाना चाहते हैं और प्रैक्टिस आकर जहां करना चाहते हैं। तो अभी फर्दर आता है कि फीसिस ये है कि जहां की जो एप्लीकेशन फीस प्लस एंट्रेंस एग्जाम की फीस है वो कितनी है, अप्रोक्स 400 यूरो से लेकर 500 यूरो की, दैट इज नॉन रिफंडेबल। 40-50 हज़ार रुपया आपको जो ऑनलाइन एग्जाम है प्लस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस के ऊपर लग जाएगा। तो दैट इज द एक फाइनेंशियल रिस्क भी है जब आपने बुल्गारिया में डालना है। तो मैं हर एक चीज के ऊपर बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूं जब बच्चे हमारे पास आते हैं, उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी हम देखते हैं कि कहां पर बच्चे का मिनिमम फाइनेंशियल लॉस हो। तो मेरे पास एक कंट्री नहीं है, हमारे पास 16-17 कंट्रीज हैं शेंगन और यूरोपियन जहां पर हम बच्चों को MBBS के लिए भेजते हैं। चाहे मैं लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया की बात करूं, चाहे रोमानिया, बुल्गारिया, मैं क्रोएशिया और साइप्रस की बात करूं, चाहे मैं पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक की बात करूं, चाहे मैं स्लोवाकिया, स्लोवेनिया की बात करूं, चाहे मैं माल्टा की बात करूं, जहां मैं इटली फ्री स्टडी की बात करूं, जितनी भी मैं चीजें ये बोल रहा हूं ना, इन स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें जरूर चेक करें। और इवन जर्मनी की MBBS की बात करूं, इवन UK की, आयरलैंड की MBBS की बात करूं, हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। हम सिर्फ एक कंट्री को प्रमोट नहीं करते कि हम सिर्फ बच्चों को चाइना ही भेजते हैं, हम चाइना में स्पेशलाइज हैं, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है, या हम सिर्फ रशिया को प्रमोट करते हैं, रशिया के अलावा हमें कोई ABC नहीं आती, ऐसा नहीं है। हमारे पास ये तो मैंने आपको 16-17 कंट्री सिर्फ यूरोपियन बताई हैं, इसके अलावा भी आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कि सर बुल्गार, मैं जी वहां पे जाना चाहता हूँ जॉर्जिया में, देख जॉर्जिया में लोग जा रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि भैया सोच समझ कर जाएं, पैसा और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एटलीस्ट जॉर्जिया की सर्च तो करें, उसका फीडबैक तो चेक करें, देन यू विल थिंक अबाउट, चाहे वो जॉर्जिया है, चाहे अर्मीनिया है, चाहे अजरबैजान है, चाहे वो कजाकिस्तान है, चाहे उज्बेकिस्तान, चाहे तुर्कमेनिस्तान, चाहे किर्गिस्तान है, तो उन कंट्रीज की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग देयर। इवन अभी मैं शेंगन को भी प्रमोट करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप शेंगन में जाएं, आपको शेंगन के बेनिफिट्स भी देखने पड़ेंगे कि इन कंट्रीज में क्या बेनिफिट है, उस स्पेसिफिक कंट्री में क्या बेनिफिट है जिसमें आप जा रहे हैं। अगर आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं ना, तो उसको भी रिसर्च करें कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या पीजी की अवेलेबिलिटी है, क्या उन कंट्री में लाइसेंसिंग प्रोविजन है या नहीं है, इन सब एस्पेक्ट्स को आपने अपने लेवल पर चेक करना है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, हम बहुत सारी वीडियोज डालते हैं, ट्रैप करते हैं बच्चों को, जब तक आपकी अपनी रिसर्च नहीं है तब तक आपका अपना खुद का नुकसान होगा। तो और अपने कंसल्टेंट की कंपिटेंसी जरूर चेक करें कि उसको क्या नॉलेज है, क्या MBBS के बाद भी उसके पास कोई नॉलेज है, क्या जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहां पर कोई
पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है, क्या वहां पर सेटलमेंट पॉलिसीज हैं, क्या वो कंट्री आपको वहां का लाइसेंसिंग प्रोविजन देती है, क्या वहां पर आप पीजी इन मेडिकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या आप वहां पर कल मैरिज करवाते हैं तो वहां की कंट्री आपके अपने स्पाउस को अलाउ करती है या नहीं करती है, वहां पर सिटीजनशिप ऑप्शंस क्या है जहां से आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, क्या मैं अपने पेरेंट्स को भी उस कंट्री के अंदर इनवाइट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इन सब चीजों को चेक करना, क्या वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट के प्रोविजन अवेलेबल है या नहीं है, क्या वहां की पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है, इन चीजों को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग योर जो कि आपकी बहुत सालों की जो सेविंग्स है प्लस आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्मॉल डिग्री, दिस इज ए सिक्स ईयर डिग्री। तो ऐसा है कि अगर इस चीजों को चेक करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो फिर आती है ट्यूशन फीस। यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस हैं 8000 यूरो से स्टार्ट होकर 10000 यूरो की है। ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है अगर इसके साथ में रोमानिया जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, रिस्क फैक्टर को भी देखते हैं। वहां पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी है जो मैंने ये पांच यूनिवर्सिटीज बताई हैं। इन सब चीजों का हम कंक्लूजन बच्चों को पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट से बेस्ट रह सकती है। तो अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप एक बेस्ट कंट्री से जाकर अपनी ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपका नीट का एग्जाम है 5 मई को, तो उससे पहले मैं सब बच्चों को यही कहूंगा पेरेंट्स को कि आप जस्ट अप्लाई करके जरूर रखें, क्योंकि नीट के एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आ जाता है उस टाइम बहुत रश होता है, तो बहुत सारी चीजें बच्चों की रह जाती हैं और आपका एक साल का टाइम भी वेस्ट हो सकता है, कल आपको सीट नहीं मिलती। तो हमारे पास बेनिफिट क्या है, सिर्फ 15000 रुपया, 15000 रुपये में मैं 15000 में आपके ये कंप्लीट एडमिशन को प्रोसेस करता हूँ। जब आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद में 15000 है, और बाकी हमारी सारी फीस जो वीजा ग्रांट होने के बाद है, इवन कल आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ वहां पर जाना है तो उनके वीजा में भी हम साथ में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, तो आप हमारी जो सर्विस है बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं, और इवन वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट। ये सारी चीजें आपने क्रॉस चेक करनी है जब भी आपने किसी भी टाइप का केस अपने कंसल्टेंट को देना है। तो हमारे चैनल के ऊपर हर एक कंट्री जितनी भी मैंने बोली हैं इनकी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने एमबीबीएस चाहे वहां पर बीडीएस के लिए जाना है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट में जाना है, चाहे आपने नर्सिंग के लिए जाना है, तो आपको उन वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। अगर आपकी जो ड्रीम है एमबीबीएस अब्रॉड में करने का है, या आपका कोई फ्रेंड एमबीबीएस और बीडीएस और एनी मेडिकल प्रोग्राम फॉरेन कंट्रीज की सर्च में है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।